हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि गियर कैसे लगाते हैं। जो कि बहुत से चालक कार को चलाते हैं, उनको प्रॉब्लम आता है तो सिर्फ गियर में आता है और क्लच में आता है। वो लगाना चाहते हैं थर्ड गियर और लग जाता है फर्स्ट गियर, क्योंकि ये बहुत से लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से ध्यान दे देंगे तो 100% है कि ये जो प्रॉब्लम है कि थर्ड की जगह फर्स्ट लग जाता है या फर्स्ट की जगह थर्ड लग जाता है, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और 100% है कि ये आपका प्रॉब्लम जो है गियर लगाने का, ये दूर हो जाएगा, कभी भी गलत गियर नहीं लगेगा। और चलिए देर ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं ये है गियर लीवर। और जितने भी मैनुअल कारें होती हैं, कुछ कारों में 6th गियर होता है और कुछ कारों में 5th गियर होता है, और कुछ कारों में रिवर्स गियर जो है आगे होता है, यहाँ पे उठाने के लिए बना होता है। इसको उठा के लगाएंगे, क्लच दबाएंगे तो ये रिवर्स गियर हो जाएगा। और जितने भी मैनुअल कारें हैं 5th गियर की, कुछ गाड़ियों में जो है इस तरीके से गियर होता है, ज़्यादातर गाड़ियों में इस तरीके से गियर होते हैं, और कुछ ही गाड़ियों में जो है 6th गियर होता है। 6th गियर यहाँ पे होता है, जहाँ पे आप रिवर्स गियर देख रहे हैं, इसको राइड करके नीचे मारेंगे तो यहाँ पे 6th गियर रहेगा। और इसमें जो है रिवर्स गियर दिया है, और जिसमें 6th गियर रहेगा उसमें जो है यहाँ पर उठा के लगाने के लिए दिया रहता है, तब आप लगाएंगे तब वहाँ पे रिवर्स गियर लगेगा। अब हम बात करते हैं कि गियर आपको लगाना कैसे है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जब भी हम कार को स्टार्ट करते हैं तो आपको क्लच को पूरा दबाना है नीचे, फिर उसके बाद हमें इसको लेफ्ट करना है और आगे कर देना है। तो ये हो गया फर्स्ट गियर, ठीक। तो जब भी हम कार को स्टार्ट करते हैं, हमें जब भी आगे कार को बढ़ाना है तो हमें फर्स्ट गियर लगाना है, और फर्स्ट गियर के बाद हमें लगाना होता है सेकेंड गियर। तो सेकेंड गियर लगाने के लिए क्या करना है, आपको क्लच को दबाना है पूरा, उसके बाद इसको लेफ्ट ही दबा के कर देना है नीचे, ठीक। और आप लोग क्या करते हैं, इसको सेकंड गियर लगाना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ ये 1 गियर है, यहाँ तक लेके आए, फिर इसको सीधा पीछे मार दिए तो ये चला गया 4th गियर। तो इस तरीके से आपको गियर नहीं लगाना है। जैसे फर्स्ट पे है, सेकंड गियर लगाना है तो इसको लेफ्ट ही दबा के नीचे। और ये हमेशा ध्यान रखिए, इस तरीके से हाथ नहीं करना है, आपको ऐसे कटोरी नुमा हाथ बनाना है। ये लेफ्ट करके नीचे सेकंड गियर हो गया। अब हमें थर्ड पे जाना है, तो थर्ड पे जब आप लोग थर्ड गियर लगाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ तक लेके आए, इसको यहाँ से हाथ हटाते नहीं है, इसको लेफ्ट करके आगे हम कर दिए तो ये हो गया फर्स्ट गियर। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप गियर को लगा रहे हैं, सेकेंड से थर्ड में आना है आपको, इसको बीच में ले जाइए, हाथ हटा दीजिए, फिर इसको सीधा ऊपर कर दीजिए थर्ड गियर। और बहुत से चालक जब थर्ड गियर लगाते हैं, इसको बहुत तेज़ी से लगाते हैं तो गियर से आवाज़ आती है, तो ये भी आपको नहीं करना है कि गियर से आवाज़ आए। पूरा क्लच नीचे दबा होना चाहिए और इसको बीच में ले आना है सीधा ऊपर, थर्ड हो गया। अब हमें फोर्थ गियर लगाना है, तो फोर्थ में बीच में लेके आए, सीधा पीछे कर दिए, ये हो गया फोर्थ गियर। और फिर हमें फिफ्थ लगाना है, इसको लेके जाना है बीच में, फिर उसके बाद इसको राइड किए और आगे कर दिए, ये हो गया फिफ्थ गियर। अब जब हमें फिफ्थ से जो है सेकंड गियर लगाना है तो हमें इसको बीच में लेके आना है, लेफ्ट करना है, नीचे कर देना है, ये हो गया सेकंड गियर। अब बहुत से चालक जब वो थर्ड से सेकंड में आना होता है तो वो लगा देते हैं फोर्थ गियर। तो वो जैसे ये आपकी कार अभी न्यूटन पे है, थर्ड गियर लगाना है, क्लच पूरा नीचे दबा के रखना है, इसको सीधा ऊपर कर देना है, ये हो गया थर्ड गियर। अब हमें सेकेंड में आना है तो क्या करना है, जैसे इसको बीच में ले आए आप, और नए चालक क्या करते हैं, वो बीच में लेके आए, उसके बाद इधर नहीं करते हैं, वो सीधा पीछे मार देते हैं, तो वो चला जाता है फोर्थ गियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बीच में लेके आना है, हाथ अपना हटा देना है, उसके बाद इसको लेफ्ट करना है पीछे, ये हो गया सेकंड गियर। तो इस तरीके से आप लोग गियर लगाएं, 100% है कि गियर आपका गलत कभी नहीं लगेगा। बस ये ध्यान में रखना है कि इसको बीच में लाना है और यहाँ से हाथ हटा देना है। जो भी गियर आपको लगाना है वो आप आराम से लगा सकते हैं। और गियर जो है आप याद कर लीजिए कि 3 गियर आगे लगते हैं, जैसे ये फर्स्ट गियर लेफ्ट करके आगे हैं, और थर्ड गियर सीधा ऊपर है, और फिफ्थ गियर राइड करके आगे है। तो ये 3 गियर आगे हो गए और 3 गियर पीछे है, सेकेंड गियर नीचे है और लेफ्ट फोर्थ गियर पीछे है, और रिवर्स गियर पीछे है राइड करके। तो ये 3 गियर आगे और 3 गियर पीछे, मतलब कोई भी गियर आप लगा रहे हैं आपको न्यूटन पे आना ही है। और हमेशा क्लच दबा के रखें, जब आप क्लच दबाएंगे तभी गियर लगेगा। यह तो बहुत से चालक क्या करते हैं, वो हाफ क्लच रखते हैं, गियर लगाने में भी जो है अटकता है, गियर टाइट लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे लेफ्ट करके आगे 1 गियर, सेकंड लगाना है तो इसको लेफ्ट ही दबा के नीचे कर दीजिए, नहीं आप लेफ्ट कर रहे हैं तो इसको 1 पे है, यहाँ बीच में लेके आए,
लेफ्ट किए नीचे, सेकंड हो गया। फिर थर्ड गियर लगाना है, बीच में ले गए हाथ हटाए सीधा ऊपर, थर्ड हो गया। अब फोर्थ लगाना है, बीच में लेके आए सीधा पीछे, फोर्थ हो गया। फिफ्थ लगाना है, बीच में ले गए राइट किए आगे, फिफ्थ हो गया। फिर हमें सेकंड लगाना है, बीच में लेके आए लेफ्ट किए नीचे मारे। इस तरीके से आप गियर लगाइए, और गियर लगाते समय बहुत से चालकों का स्टीयरिंग हिल जाता है। तो स्टीयरिंग क्यों हिलता है? स्टीयरिंग इसलिए हिलता है कि ये आपका जो राइट वाला हाथ है वो हिल जाता है, क्योंकि स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग होता है। जब भी आप गियर को लगाएं तो आपका ध्यान होना चाहिए सामने, और केवल लेफ्ट वाला हाथ चलना चाहिए। कोई भी गियर आप लगा रहे हैं, केवल न्यूटन पर ले आके आप आराम से जो है कोई भी गियर आप लगा सकते हैं, कभी भी गलत गियर नहीं लगेगा। और जब भी गियर लगाएं तो आपका निगाह सामने होना चाहिए ध्यान, और इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें, गियर बहुत इजी तरीके से आप लोग लगा पाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।